के चक्कर में हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। मेरा जो ग्रुप है वो काफ़ी आगे निकल गया है, सबसे लास्ट में मैं हूँ। सो जल्दी से भागता हूँ ताकि उन लोगों तक पहुँच सकूँ और अच्छे से एंजॉय कर सकें। तब तक आप वीडियो का मज़ा लीजिए, काफ़ी सारा सिनेमैटिक शॉट देने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं इस कहानी को आपके साथ। सीढ़ी की ही कमी थी, सो सीढ़ी भी आ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों, मेरे पीछे आपको यहाँ पे दिखेगी ये जो रास्ता है पूरा, यहाँ पे ये पूरी नदी है, यहाँ से बहुत सारा पानी निकलता है। जब भी गिरनार पे बारिश होती है तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नदी का पानी आता है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन पूरा काफिला होता है। दोस्तों, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे, सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर एक सीख के रूप में। जितना आसान लगता है ट्रैकिंग उतना है नहीं, वो अभी पता चला क्योंकि सब लोग मेरे आगे चले गए हैं, हम सिर्फ दो तीन जने इधर हैं। सो बहुत मुश्किल है लेकिन एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अभी ऑलमोस्ट हाफ वे है हम लोग जटाशंकर के, सो करीबन आधे घंटे में शायद पहुँच जाएंगे। 500 सीढ़ी चलने के बाद यहाँ से आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है जटाशंकर महादेव का मंदिर, इस तरफ से जाना है। सो जो रास्ता है वो पूरा रफ रास्ता है, आपको मैं दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारा जो रास्ता है पूरा रफ रास्ता है और इतने बड़े बड़े पत्थर है, वहां से होके हमको गुजरना है। रास्ता आप देख सकते हो बहुत ही डिफिकल्ट रास्ता है चलने में। अगर बारिश के मौसम में आते हो तो डेफिनेटली आपको स्लिप हो जाने का डर रहेगा, तो चलिए मेरे साथ। क्यों सोचे इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। दोस्तों, मुसाफिर तो मैं कल भी था और आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज खुद की तलाश में हूँ। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई के बाद हम लोग पहुँच गए हैं जटाशंकर, काफ़ी अमेजिंग प्लेस है। और छोटा सा मैं सिनेमैटिक शॉट्स भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो हम लोग अभी नाइट ट्रैकिंग एक्चुअली कर रहे हैं, अभी जस्ट हम जटाशंकर से वापस आए हैं, लेकिन पूरे नाइट हो गए हैं यहाँ पे और काफ़ी डर लग रहा है लेकिन मज़ा भी उतना आ रहा है। कई सारे दोस्त हम लोग साथ में हैं, सो क्वाइट एंजॉइंग, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है। हाय ईशा, ट्रैकिंग फिलहाल ख़त्म हुआ है हमारा और अभी हम लोग बेस कैंप में हैं। बेस कैंप में अभी जो प्लान है वो है कैंप फायर का, सो चलिए मेरे साथ कैंप फायर में। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती है रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र पर नहीं आती।
दोस्तों, पूरा पाने की ख्वाहिश में हम बहुत कुछ खो देते हैं, भूल जाते हैं कि आधा चांद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है।